हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका GTA 5 की एक और नए एपिसोड में। तो यार लास्ट वाले एपिसोड में गाइस आप लोग को याद होगा कि यार डगन बॉस ने अपने से एक डील करने की कोशिश करी थी। मतलब मुझसे वो ये कर रहा ना कि तू मुझे हाईटेक बंकर से भगाने में हेल्प कर और उसके बदले में वो मुझे यार कायो पेरी को आईलैंड लेकर जाएगा और अपनी पूरी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा। मतलब देख रहे हो, उसने मेरे से डील करने की कोशिश करी, पर मैंने गाइस उसके साथ ना कोई भी डील नहीं करी। उल्टा मैंने गाइस उससे ना सिर्फ और सिर्फ डील करने का नाटक किया था और उसने गाइस मुझे ना एक लोकेशन के बारे में बताया था जहां पर एक कंटेनर था और उसमें गाइस बहुत सारा पैसा रखा होता। तो वो कंटेनर को तो गाइस मैं लेकर आ गया था और उसके बाद आप लोग को पता है भाई क्या हुआ था। डगन बॉस को मैंने एक पंच लगा कर ना बेहोश कर दिया था, क्योंकि वो गाइस उल्टा ना मुझे और धमकियां देने में लगा था। मतलब क्योंकि मैंने उससे डील नहीं करी ना। और गाइस आप लोग को पता है, देखो मैं प्रेसिडेंट को तो धोखा दूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने गाइस मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है। बाकी अभी तो गाइस मैं इस वाली लोकेशन पे आ रखा हूं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को याद होगा कि प्रेसिडेंट ने मेरे को बुलाया था कि वो ना एक पता नहीं ट्रक लेकर आ रहे थे। तो उस ट्रक पे ना इन लोगों ने, तुम लोग देख रहे हो लाशें, इन सबको गाइस प्रेसिडेंट ने ही खत्म किया। तो यहाँ पर उनकी बहुत तगड़ी फाइट हुई थी और जो ट्रक है ना वो यहाँ पे फंस गया था। तो उन्होंने गाइस मुझे बुलाया था और मैं हाईटेक बंकर में था, तो मैं गाइस जल्दी से यहाँ पर आ गया था। और जो अपनी ये तुम लोग को कार दिख रही है ना, इसी कार की हेल्प से गाइस उस ट्रक को ना मैंने यहाँ से निकलवा तो दिया था। बाकी वो तो गाइस हाईटेक बंकर की तरफ जा चुके हैं। अब मैं भी एक काम करता हूँ, गाइस हाईटेक बंकर की तरफ ही निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना उनकी जो किलर हॉक कार है ना वो खड़ी हुई थी। तो मैंने गाइस यहाँ पे कमांडो का वेट करता हूँ, क्योंकि मैंने ना कमांडो को हाईटेक बंकर से यहाँ पर बुलाया था उनकी किलर हॉक को वापस हाईटेक बंकर में ले जाने के लिए। तो तो गाइस यहाँ पे आया था थोड़ी देर पहले और जो कार है ना उसको तो लेकर चला गया था। बाकी गाइस मैं भी एक काम करता हूँ ना, यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि मेरा ना यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। फटाफट से गाइस हम लोग अपनी कार में बैठते हैं और ये कार भी गाइस इतनी ज्यादा दमदार है ना, मतलब उनकी प्रेजेंट की जो कार थी ना उससे गाइस वाला ट्रक नहीं निकला, पर गाइस मेरी ये वाली कार से निकल कर। एक मिनट भाई, ये बंदा यहाँ कैसे खड़ा है? एक मिनट गाइस, मुझे ऊपर एक और बंदा नजर आया। अबे यार, मुझे लग रहा है गाइस जब तक मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था ना, तो ये लोग यहाँ पे चेक करने के लिए इसने अपने बंदे बुला लिए। तेरी तो निकल यहाँ से, इन्हीं की तो भाई देख रहे हो कहाँ ऊपर से आ रहे पहाड़ के। तो भाई यहाँ जो बंदा खड़ा था ना, ये गाइस यहाँ पे लग रहा है कॉल कर रहा था, इसकी तो निकल यहाँ से। एक मिनट गाइस, फटाफट से अपनी कार में बैठो भाई, क्योंकि ऊपर से ना बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। एक मिनट इनकी तो कल यहाँ से। एक मिनट भाई भाई यहाँ पे गाइस हम लोग वैन चेक कर रहे हो भाई, कितनी सारी यहाँ वैन आ रखी है, निकल यहाँ से। एक मिनट गाइस, पहले ना ऊपर की साइड चलो इनकी तो। एक मिनट यार, एक तो ना इस कार का बस गाइस यही एक ड्रॉडाउन है कि ये कार को ना हल्की सी स्पीड दो ना, ये बहुत ज़्यादा तेज भाग जाती है। एक मिनट, अब यहाँ पे अपनी कार को अपन लगाते हैं। अब आ जाओ, एक मिनी गन है ना मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो देखो गाइस कितनी दूर से आ रहे हैं, निकल यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। भाई देख रहे हो कितने सारे बंदे हैं यार, चलो यहाँ से। एक मिनट की कार ना ब्लास्ट करो भाई यहाँ से, ये लोग ना भागने नहीं चाहिए। एक मिनट भाई, निकल यहाँ से। वो देखो गाइस कार की सारी ब्लास्ट होकर निकलो यार यहाँ से। एक मिनट गाइस, मैंने फटाफट से दोबारा से मिनी गन निकालता हूँ, क्योंकि ये लोग ना बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं मेरे। निकल यहाँ से, निकल भाई। मिनी गन तो ना ये ऐसी है कि आने ही नहीं देगी बंदों को क्लोज। निकल क्योंकि निकल, वो देखो अभी भी वहाँ पे और भी जिंदा है। एक मिनट मैं फटाफट ये निकालता हूँ आरपीजी और इन पे ब्लास्ट करूँ ना यार। पीछे की कार देख लो, ब्लास्ट नहीं मतलब जो वैन है, पर ये कैसे मैं उन पर रिलोड कर रहा है इसकी तो। निकल यहाँ से, निकल तू तू भी निकल भाई। अभी यहाँ पे हमारा कमांडो होता ना तो इन सबको गाइस वो अकेला ही संभाल लेता। एक मिनट, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छा हुआ गाइस मैं यहाँ पर था भाई, इन लोग ये लोग नहीं तो यहाँ पर आते ना और सिर्फ लाश देखते, तो भाई ये लोग हो सकता है ना उस ट्रक का पीछा करते करते ना भाई प्रेसिडेंट के पीछे चले जाते। एक मिनट, निकल यहाँ से तू भी, निकल निकल तू भी। एक मिनट भाई, ऊपर भी आ रखे हैं लोग पीछे से घूम के। निकल यहाँ से। एक मिनट गाइस, फटाफट से मिनी गन निकालो दोबारा। निकल तू भी, निकल। वो देखो गाइस कहाँ इतनी दूर खड़े हैं, निकल एक हेडशॉट मारो सब। निकल यहाँ से, वो देखो कहाँ खड़े हो। एक मिनट भाई, पीछे मुझे कुछ ज़्यादा ही गोलियाँ पड़ रही हैं। निकल यहाँ से, झाड़ में कवर ले रहा है। एक मिनट, निकल यहाँ से। और कोई जिंदा है? वो देखो नीचे की साइड है ना लोग। अच्छा वो देखो कहाँ एम लगाए पड़ा है। निकल तू भी, निकल। एक मिनट गाइस, वो बंदा एक खड़ा है ना अकेला। निकल यहाँ से, और कौन है? एक मिनट, मुझे फिर गोली चलने की आवाज़ आई। किधर है इसकी तो देखो भाई, कहाँ खड़ा है मुंह पे। निकल, ओ कचरी बच गया। निकल यहाँ से। ओके, और तो कोई जिंदा नहीं है ना इधर। एक मिनट फटाफट से ना गन को निकालो,
वैसे मुझे लग नहीं था कि कोई जिंदा बचा है यहाँ पे। एक मिनट, मेरे को आवाज आई। अबे यहाँ पे देखो और भी लोग बचे हैं भाई, ये लोग मुझे लग रहा है ऊपर ही नहीं आ पा रहे पहाड़ के। एक मिनट, उधर तो कोई नहीं है ना। निकल निकल तू भी, एक मिनट निकल यहाँ से, निकल। वो देखो गाइस ऊपर आने की फुल कोशिश में है लोग, पर मैं इनको आने से पहले ही भाई निपटा दूंगा। निकल यहाँ से, निकल तेरी तो ऐसी तैसी। और एक मिनट भाई, मेरा यहाँ पे पैर ही फिसल गया। एक मिनट, निकल यहाँ से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, निकल क्यों निकल। एक मिनट, यहाँ एक बंदा है ना, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। निकल तेरी तो, निकल निकल यहाँ से। मैं शॉर्ट करना बिल्कुल मुंह पे मारूंगा इन लोग के घुस के। निकल निकल तू भी भाई। देख रहे इन लोग ने आर्मर तक पहना हुआ, देखो कुछ कुछ लोगों ने। कहाँ गया ये देखो, ब्लैक कलर का तुम लोग को आर्मर दिख रहा है। और ये देखो इसने भी, देखो आर्मर पहना रखा, और इसने भी आर्मर पहना हुआ, देख रहे हो। वैसे तो इन सब ने ही पहना होगा, पर इन लोगों ने थोड़ा तगड़ा वाला पहना है। फिर भी देख रहे हो हमारा आर्मर और इनका आर्मर में ना बहुत ज़्यादा अंतर है। तो भाई और एक मिनट यार, फटाफट से मैं ऊपर की साइड चलता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कार को ना ऊपर ही लगाया था। मैं एक बार देख लूँगा इस चारों तरफ कोई बचा तो नहीं है ना। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है, देखो अगर कोई बचा होता तो मेरे को अब तक दिख जाता इतनी ऊपर से। भाई देख रहे हो लोग डायरेक्टली वहाँ पर नहीं आए, लोग यहाँ से वैन लेकर ऊपर से हमला किया इन लोगों ने। तो भाई मुझे लग रहा है इसका जो बंदा था ना, जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसने कैसे इनको ना इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है प्रेसिडेंट का। तो भाई मेरे को मारने आए थे ये लोग, पर भाई ये लोग अपने को मार ही नहीं सकते यार। चलो ये काम करते हैं, यहाँ चलते। एक मिनट गाइस, आप लोग ने एक चीज नोटिस करी भाई? वो क्या चीज है सामने? भाई मैंने अभी नोटिस किया यार। एक मिनट फटाफट से मैं फोन निकाल के चेक करता हूँ। एक मिनट, इसका कैसे ब्रिज भी जा रहा है ना इधर से। ओ तेरी, वो देखो गाइस एक ब्रिज है उधर, और वो डायरेक्टली वहां पे जाता है। भाई ये कौन सी जगह है, तो मैंने कहा पहली बार देखी है इधर। एक मिनट, वहां पे चला जाए क्या गाइस? क्योंकि मैंने गाइस लॉस सैंटोस में ये जगह आज से पहले नहीं देखी है। भाई प्रेजेंट से पूछना पड़ेगा यार, कुछ नया तो नहीं बनवा दिया उन्होंने, कोई गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा हो और अभी भी कंप्लीट हुआ हो ये। भाई मैंने गाइस आज नोटिस किया यार, इतनी ऊपर एक तो मैं आता नहीं हूँ पहाड़ में, पर आज जाकर दिखाइए। एक काम करते हैं गाइस, पहले ना हम लोग अपनी कार को भगाते हैं, और हाईटेक बंकर में ना जाके ना पहले मैं गाइस डायरेक्टली वहीं पर जाने वाला हूँ। देखते भाई क्या चीज़ है यार वो। एक मिनट, बहुत सही। एक काम करते हैं, अपनी कार को हम लोग भगाते हैं। और एक काम करते हैं ना, इस कार में तो वैसे भी देखो कुछ होने वाला है नहीं, शॉर्टकट मार लेते हैं यहाँ से बहुत से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शॉर्टकट मारने के चक्कर में भाई मेरे पेड़ से ठोकर हो गई। तो एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से ना उस ब्रिज के पास चलते हैं और चल के देखते हैं भाई कि वो कौन सी जगह है यार। ओके गाइस, इधर तो मैं अपनी कार को भगाते भगाते गाइस उस वाले एरिया में पहुंचने वाला हूँ यार, जहाँ पे वो ब्रिज है। और वो देखो गाइस, वो रहा सामने ब्रिज। और एक मिनट यार, कार में से क्या आवाज़ें आ रही हैं ये? एक मिनट, अजीब सी मुझे आवाज़ आ रही थी कार में से, पता नहीं भाई क्या हो गया इस कार में। मुझे लग रहा काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ लग गई हैं ना भाई, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। और ये रहा गाइस ब्रिज। भाई देख रहे हो, मैं यहाँ से गाइस काफ़ी बार गुजरा हूँ, पर मैंने ब्रिज को नहीं देखा। और वो देखो भाई, लॉस सैंटोस के लोग ना अलग ही यार, इतना बड़ा इन लोग को ब्रिज है, और वो देखो क्या एक्सीडेंट करते रहते हैं यार। फटाफट से एक काम करते हैं, ऊपर की साइड ही चलते हैं। और एक मिनट गाइस, भाई ये लोग मेरे को रोक रहे हो, और ये तो गाइस दुबई किंग की सिक्योरिटी वाले हैं ना। एक मिनट गाइस, मुझे ये गाइस वो ही लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। एक मिनट, इन लोग से कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो ये लोग कह रहे मुझे परमिशन नहीं अंदर जाने की। भाई मैं दुबई किंग का दोस्त हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे भाई दुबई किंग से ही बात करना फिर। हद है भाई, देख रहे उसकी सिक्योरिटी मेरे को भाई अंदर जान ही नहीं दे रही है। तो गाइस ये लोग मुझे बता रहे हैं ना यहाँ पे कि ये जो आइलैंड है ये गाइस दुबई किंग का ही है यार। मतलब देख रहे भाई, उसने कब ये वाला आइलैंड तैयार करवा लिया भाई, पता तक नहीं चला यार। तो भाई क्या बढ़िया यार, देख रहे हो। और आप लोग को गाइस याद होगा, काफ़ी टाइम पहले मैं एक डेजर्ट आइलैंड पर गया था, और मैंने वहाँ पर आप लोग से बोला था ना कि पानी के ऊपर इन लोग ने पता नहीं कैसे रेत का एक आइलैंड बना दिया, मतलब डेजर्ट का आइलैंड। बाकी सामने देखो भाई, दुबई किंग ने भी गाइस वही किया यार। पता नहीं भाई ये लोग पानी के ऊपर इतनी रेत लगा कर पता नहीं कैसे बना लेते हैं यार। भाई क्या बढ़िया यार। बाकी चल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तू मुझे अभी नहीं जाने दे रहा ना, मैं दुबई किंग से खुद तेरे से कॉल करवाऊंगा, और उसके बाद गाइस हम लोग चलने वाले हैं यार। बाकी मैं ऐसे तो कॉल करूंगा नहीं दुबई किंग को, मैं एक काम करूंगा ना प्रेसिडेंट से बोल दूंगा, तो वो ना दुबई किंग से बात करके जो है परमिशन ले देंगे, मैं फिर उसके बाद यहाँ पे जा सकता हूँ। भाई क्या बढ़िया लग रहा है यार। एक काम करते हम लोग फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये लोग तो मेरे को देखो ऐसे जाने देंगे नहीं यार अंदर। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग चलते सीधा हाईटेक बंकर में, और चल के देखते भाई
प्रेजेंस से भी जल्दी बातचीत करेंगे क्योंकि वो भी शायद हाईटेक बंकर में ही होंगे और पता नहीं भाई किस चीज़ का ट्रक लेकर वो जा रहे थे। पहुँचे एक मिनट यार, तो ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है ना यहाँ पे। तो यार एक काम करते गाइस, अपनी कार को हम लोग भगाते हैं, यहाँ से शॉर्टकट मारो और कार को भगाते हैं और चलते गाइस सीधा हाईटेक बंकर में, चल के देखते हैं भाई उन ट्रकों में क्या आया था। ओके गाइस यार, तो मैं अपनी कार को भगाते भगाते गाइस हाईटेक बंकर की तरफ पहुंचने वाला हूं और इस कार से आने में ना मेरे को भाई ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा। बाकी आप लोग को मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी अलग लग रही हो क्योंकि मेरे ना गाइस अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। बाकी देख लो तबीयत खराब में भी गाइस मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और वीक में गाइस 3 वीडियोज़ आ रहे हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाना। बाकी हम लोग इस हाईटेक बंकर में पहुंच चुके हैं, फटाफट से अंदर चल के हम लोग देखते हैं कि उस ट्रक के अंदर ऐसा था क्या यार। इसके ऊपर गाइस इतनी सारी गैंग वालों ने यार अटैक किया यार, मतलब पहले प्रेजेंट को भी काफ़ी सारे लोगों ने घेर लिया था और उसके बाद जब मैं वहां पर था तब गाइस मेरे ऊपर भी अटैक किया इन लोगों ने। और एक मिनट भाई, यहाँ पर तुम लोग सिक्योरिटी देख रहे हो भाई? मुझे लग रहा है गाइस लिबर्टी सिटी में जो प्रेजेंट सिक्योरिटी वाले जो सूट लेने गए थे भाई वो यही सूट है। और देख रहे हो तुम लोग जो गैंग लॉस सैंटोस में आई है ना जिसे हम लोग मार नहीं पा रहे हैं भाई, उनका ब्लैक कलर का आर्मर है और इन लोग का वाइट कलर का आर्मर है भाई। मुझे लग रहा है उस ट्रक के अंदर गाइस इसी के सूट आ रहे थे भाई। एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे कुछ गार्ड खड़े हैं भाई, सब लोग ने नहीं पहने क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि वो सूट ने मेरे को प्रेजेंट बता रहे थे कि काफ़ी टाइम लगा उनको बनने में और वो जो सूट है वो गाइस काफ़ी लिमिटेड है अपने पास, तो मुझे लग रहा है ना प्रेजेंट ने सबको, वैसे सबके लिए तो देखो हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतने सारे अपने पास कमांडोज है ना भाई, सबके लिए हो ही नहीं पाएंगे। जैसे देखो यहाँ नीचे देखो अपने नॉर्मल जो कमांडोज है ना वो ही लगे हुए हैं। एक काम करते हैं हम लोग फटाफट से अंदर चलते हैं। और अपना हैकर कहाँ पर है? एक मिनट भाई, हैकर अपना यहाँ पर तो है ही नहीं, मुझे लग रहा है कि वो ऊपर की साइड को। और एक मिनट, उसकी कार भी तो नहीं खड़ी थी ना भाई। यार मुझे लग रहा है वो बंकर में है ही नहीं भाई, पता नहीं कहाँ चले जाता है यार ये भी। बाकी मैं एक काम करता हूँ, कमांडो से ना बात करके एक काम करें क्या गाइस हम लोग? एक मिनट यार, मेरे को ऊपर जाने, एक मिनट इस कमांडो से मैं पूछ लूंगा। एक काम करते गाइस, ये जो सूट है ना नए वाले, इसमें से एक सूट मैं भी पहन के देखूं क्या? मैं भी पहन के इसकी टेस्टिंग वगैरह भी हो जाएगी यार अपनी। और अगर वो गैंग मेरे को दिख जाती है ना तो भाई उस गैंग को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये सूट भी ना देखो उसी गैंग के तरह है, तो वो लोग हम पे कितनी भी गोलियां चलाएं और हम उन पे कितनी भी गोलियां चलाएं, वो भाई मरने वाले है ही नहीं यार। एक काम करते हैं फटाफट से हम लोग ऊपर की साइड चलते हैं और कमांडो से पूछते। देखो यहाँ पे मुझे कुछ कमांडोज नजर आ रहे हैं। ओके तो भाई कमांडो सुन, जो सूट तूने पहने ना इसके कितने पीस आए थे टोटल? ठीक है 50 पीस टोटल थे। ओके तो कोई सूट बचा है क्या अभी जो कमांडो ने नहीं पहना, जो मतलब एक एक्स्ट्रा हो एक तरीके से? ठीक है तो ये कह रहे अभी कुछ सूट और पड़े हैं कमांडो उन्हें पहन रहे हैं। किधर साइड है वो? ऊपर की साइड है। ठीक है भाई तो एक काम करते हैं फटाफट से ना ऊपर की साइड चलते हैं और सूट एक ना पहनकर ट्राई करते। और एक मिनट यार किस साइड में? और वो देखो गाइस ये रहे सूट बे, काफी सारे हैं यार ये तो। मुझे लग रहा है अभी कमांडोज ने पहने नहीं यार ज्यादातर कमांडोज ने, हो सकता है इनका ना कुछ काम वगैरह हो। मैं काम करता हूँ इसमें तो ना फटाफट से गाइस एक सूट निकालता हूँ और एक सूट ना मैं भी ट्राई करता हूँ पहन के। ओके गाइस तो मैंने सूट यहाँ पर चेंज कर लिया है और वो देखो इसमें आया था तो मैंने दो सूट निकाले क्योंकि कमांडो भी यार यहाँ पे ना सूट चेंज करने के लिए आया था। बाकी तुम लोग देख रहे हो गाइस पूरा एकदम अलग ही लग रहा है यार, इसने मेरा फेस तक चेंज कर दिया यार, पूरा एकदम खतरनाक सा बॉडी सूट है ये। बाकी गाइस कमांड जब यहाँ पर आया ना तो मुझे गाइस इससे पता चला है कि प्रेजेंट ने ना साइंटिस्ट को ना इस आर्मर को दे रखा था कि ये आर्मर को तोड़ने के लिए ना कोई बुलेट या फिर कोई ऐसी गन तैयार करो, तो उन लोगों ने गाइस एक स्पेशल बुलेट्स तैयार करी है जो कि कमांडोज के पास थी। तो मैंने गाइस इससे ना काफ़ी सारी बुलेट्स ले लिए, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये जो तुम लोग को ये वाली गन दिख रही है ना असॉल्ट राइफल, तो इसके अंदर ना मैंने गाइस उस बुलेट को ना लोड करके रख लिया है। तो ये जो गन है ना अब ये गाइस खतरनाक वाली बुलेट से लोड हो चुकी है, इसकी टेस्टिंग हम लोग बाहर जाकर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स यार बाहर ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो भाई अगर मैं टेस्टिंग करूंगा ना तो ये मेरे को बता रहा था ना कमांडो कि उन बुलेट्स को अगर हम लोग चलाते हैं तो उसमें से ना आग भी निकलती है यार भाई, ऐसी पता नहीं कौन सी बुलेट्स हैं यार। बाकी जाते जाते हम लोग एक काम करते हैं, डगन बॉस से मिलते हुए चलेगा क्योंकि लास्ट टाइम में वो मुझे ऑफर दे रहा था यार, देख रहे हो? मतलब इसने सोच भी कैसे लिया यार कि मैं प्रेजेंट को धोखा दूंगा जिन्होंने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करी है। कि एक मिनट भाई, भाई इसकी तो मुझे हालत वैसी खराब लग रही है भाई, इससे बात करते हैं भाई क्या हो गया तुझे? ठीक है तो प्रेजिडेंट अभी तुझे यहाँ पे पंच मार की है? अबे यार भाई ये बंदा ना पिटता ही रहता है यार सबसे। आप लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में मैं भी इसको एक पंच मार के गया था और अभी प्रेजेंट थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे, मेरी उनसे अभी कॉल पे भी बात हुई थी तो वो ना अभी फिलहाल यहाँ से चले गए। और अपना जो हैकर है उसको भी यार मुझे कॉल कर पता करना है यार, क्योंकि मैंने कहा आप लोग को याद होगा उसको लास्ट वाले एपिसोड में काम दिया था कि डगन बॉस की ना जितने भी यहाँ पे जैसे हम लोग को एक कंटेनर मिला था तो वैसी लॉस सैंटोस बॉस ने मुझे बताया था
लेकिन मैं उसकी काफी सारे ऐसी लोकेशन है जहाँ पे उसके काफी सारे कंटेनर और पैसे वगैरह रखे हुए हैं। तो मैंने उससे बोला था कि तू ट्रैक कर, और अगर तुझे कोई ट्रैक करके लोकेशन पता चलती है तो मेरे को जल्द से जल्द बताना। पर उसने कहा मुझे कोई लोकेशन बताई नहीं है यार। एक काम करता हूँ उसको ना, फटाफट से हम लोग कॉल करते हैं कि वो आखिर है कहाँ पर, उससे पूछता भी हूँ कि लोकेशन कोई मिली भी है कि नहीं मिली है। ओके गाइस यार, तो हैकर से यार यहाँ पे मेरी बातचीत हो चुकी है, और हैकर ना फिलहाल यार अभी अपने मेंशन पर ही है। तो वो मेरे से कह रहा है कि वो ना उसी काम में लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ना उसको टाइम लगने वाला है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, तुझे जितना भी टाइम लगे तो भाई बस लोकेशन निकाल कैसे भी करके। और मैंने उसको बता दिया भाई कि मैंने ना ये सूट पहन रखा है, तो वो कह रहा है हाँ उसको पता चला है कि वहाँ पे सूट्स आए हैं, पर उसको लग नहीं रहा था भाई मैं ये वाला सूट पहन कर लेकर जाऊँगा। वैसे देखो ये जो सूट है ना, ये मैं काफ़ी देर तक तो पहन कर नहीं रख सकूँ, क्योंकि ये ना देखो कमांडो उसके लिए मंगाया था, और मैंने प्रेसिडेंट को भी अभी तक बताया नहीं कि मैं एक सूट लेकर जा रहा हूँ, कि ये ना देखो एकदम लिमिटेड है, और मेरे को कमांडोज भी कह रहे थे कि एकदम लिमिटेड है तो इसको वापस कर देना जितना जल्दी हो सके। बाकी इसको ना हम लोग वापस कर ही देंगे थोड़ी बहुत देर में, पहले मैं इसकी टेस्टिंग कर लूँ यार। चल के काम करते हैं, हम लोग कार में बैठ चुके हैं, और फटाफट से ना एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ, और जो गैंग का एरिया है ना वहाँ पे गाइज मैं जाने वाला हूँ, और इसकी टेस्ट गाइज हम लोग गैंग के एरिया में ही करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को याद होगा मेरे एक लफड़ा भी हुआ था। तो मुझे लगता है ना कि वो लोग भाई जैसे ही मेरे को देखेंगे ना, वैसे वो लोग पहचान तो पाएंगे नहीं, क्योंकि ये सूट तो देखो एकदम अलग ही है यार। और हो सकता है ना गाइज वहाँ पे अपने को वो वाली गैंग भी मिल जाए जो ब्लैक कलर के जिनके सूट है ना। पर एक काम करेंगे ना हम लोग, उसी एरिया में भी ढूंढेंगे, अगर वो लोग मुझे दिख जाते हैं ना तो अपने पास देखो वेपन भी अब आ चुका है, और सूट तो अपना इतना तगड़ा है ही यार, क्योंकि वो लोग अगर गोलियाँ भी चलाएंगे ना तो अपने सूट को कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी एक काम करते हो, और ये देखो भाई जंगली जानवर यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं यार। काम करते हैं लोग अपनी कार को भगाते हैं, और इससे जाने में मेरे को काफ़ी कम टाइम लगने वाला है सिटी की तरफ, और उसी गैंग के एरिया में चलते हैं जहाँ पे मैंने यार काफ़ी टाइम पहले ना लफड़ा किया था। ओके गाइस यार, तो मैं अपनी कार भगाते भगाते गाइस उस वाले एरिया में पहुँचने वाला हूँ यार, जहाँ पे मैंने लफड़ा किया था पिछली बार आके। यही वाला एरिया था ना वो? हाँ यही वाला एरिया था वो। देखो इस पीछे कुछ गैंग वाले मुझे नज़र आ रहे हैं भाई, अब इन लोग से ना मैं खुद लफड़ा लूँगा। पिछली बार इन लोगों ने गाइस मेरे से लफड़ा चालू किया था ना, अब आ जाओ बेटा। वहाँ पर मुझे कुछ गैंग वाले नज़र आ रहे हैं, पहले तो एक मिनट, अबे ये लोग तो भाग गए। अबे ये तो गैंग, अबे है तो गैंग वाले पर ये लोग भाग क्यों रहे हैं? अरे एक मिनट, वो देखो इस पीछे से एक बंदा आ रहा है। और एक मिनट यार, मैं ये वाली गन क्यों चला रहा हूँ? मैं कैसे ये वाली गन चलाता हूँ ना? और एक मिनट निकल, और एक मिनट भाई, तुम लोग देखा मैंने इसको एक गोली मारी, उसकी बॉडी में आग लग गई। तुम्हारी तो मारो मारो, कितनी गोली चलाओगे? मारो मारो भाई, ये वाला सूट गाइस इतना ज़्यादा तगड़ा है ना, देख रहे हो? कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे। मारो मारो मारो, कितना मारोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, देख रहे हो एकदम मुंह पे मेरे खड़े होकर गोलियां चला। निकल यहाँ से। और एक मिनट यार, ये वाली गन हम लोग टेस्ट करते दोबारा से। निकल भाई, एक ही बुलेट चलाई मैंने और यहाँ पे आग लग गई। निकल, इन बुलेट्स को मैं ऐसे तो वेस्ट करूँगा नहीं भाई, एक एक बुलेट में आग लग जा रही है। निकल। और एक मिनट, मैंने हेडशॉट नहीं मारता हूँ, एक बार ना मैं इनके पैर पर गोली मार के देखता हूँ। पे एक मिनट यार, वे अभी उड़ा देता मुझे कार वाला ये। आ जाओ एक मिनट, निकल भाई, देख रहे हो आग लग गई इसके पैर में, मतलब पैर में नहीं पूरी बॉडी में आग लग गई। पर यार मैं गाइस इन बुलेट्स को ना ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इन्हें ना मारने का कोई फायदा नहीं है। और यार यहाँ पे मुझे गाइस वो वाली गैंग तो नजर आ नहीं रही है। एक मिनट, पीछे से कौन आया? वो देखो गाइस वैन लेकर आ रहे भाई। मैं ना गाइस अभी फिलहाल लफड़ा नहीं चाहता हूँ इधर, क्योंकि मेरे को खाली टेस्टिंग करनी थी यार, और उन बुलेट्स की भी गाइस टेस्टिंग हो चुका है। एक मिनट यार, मैंने गाड़ी पर टेस्ट नहीं करा ना, गाड़ी में भी आग लगती है क्या? मुझे लगता नहीं कि गाड़ी में आग लगेगी। और वो देखो गैंग वाले को देखो, आपस में भी पंगा हो रखा है। वो देखो देखो उस गैंग वाले से लड़ रहा है। अत्ते भाई, एक काम करते हैं, इसमें हम लोग आग लगाते हैं। एक मिनट, धुआं तो निकल रहा है। ओ तेरी, इसमें भी आग लग रही है भाई, क्या खतरनाक बुलेट से यार ये वाली। और वहाँ पे गए प्रेजेंट का शोरूम भी है, इसलिए मैं यहाँ लफड़ा तो नहीं करने वाला हूँ। वो देखो गए, दो बुलेट मारी मैंने और इसमें आग लग गई। भाई यहाँ से निकलो पहले, क्योंकि यहाँ पे ना पुलिस जो कभी भी आती होगी, मुझे सायरन की आवाज़ भी आने लग गई। एक काम करते हैं, यहाँ से गए हम लोग निकलते हैं, गाड़ी को बैक करो बहुत सी। और मैं हैकर को ना दोबारा से कॉल करता हूँ। एक मिनट यार, हैकर को गए मैं दोबारा से कॉल करता हूँ, उससे पता करता हूँ कि वो जो काले सूट वाले हैं ना, जो गैंग खतरनाक थी लॉस सैंटोस में जिनको मार नहीं पा रहे थे भाई, उनका पता लगाए जरा, लोकेशन वगैरह ट्रैक करें। देख रहे हो किसी गैंग वाले इकट्ठा हो रखे हैं इधर। मैं काम करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा हम लोग आगे और जाते हैं, और यहाँ पे रोक लेता हूँ, पार्किंग है ना। हाँ हाँ, ये कैसे किसी की प्राइवेट पार्किंग जैसे मुझे नज़र आ रही है। एक काम करते हैं, यहीं पर अपनी कार को लगा लेते हैं, और हैकर को इस फटाफट से ना कॉल करते हैं।
ओके गाइस, इधर तो हैकर से मेरी यहाँ पे बातचीत हो चुकी है। तो वो मेरे से कह रहा था कि उसने इनकी लोकेशन वगैरह तो ट्रैक वो कर ही रहा था, क्योंकि लेस्टर डेविन ने उसको इसी काम पे लगाया था, जो ब्लैक कपड़ों वाले हैं उनकी लोकेशन ट्रैक करने का। पर वो लोग तो देखो नजर आए नहीं है। और गाइस अभी अभी मुझे ये भी पता चला है कि प्रेजिडेंट की ना उन बंदों से पहले ही ऑलरेडी फाइट हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले ही। और हैकर मेरे को बता रहा था कि वो जो बंदे है ना उन लोग को गाइस प्रेजिडेंट ने मार दिया, मतलब ये जो बुलेट्स है ना ये गाइस उन लोग को खत्म कर सकती है यार। भाई अब तो गाइस वो गैंग बचने वाली नहीं है यार। बाकी मैं भी गाइस एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलते हैं। और हैकर मेरे को कह रहा था कि लोकेशन जो एक मिलने वाली, क्योंकि उसने ना कुछ लोगों को जो डगन बॉस के लोग हैं उन लोग को आते जाते देखा है गाड़ियों में। तो वो क्या कर रहा है, जितने भी सीसीटीवी कैमरा पूरे लॉस सैंटोस में लगे हुए ना उन सबको ट्रैक कर रहा है, और उनकी ना लोकेशन वो ट्रैक करके मुझे बता देगा कि वो गाड़ियाँ आखिर जा कहाँ पे रही है। तो जहाँ भी वो जा रही है गाइस उन लोग को ना मैं पीछा विछा तो करूँगा नहीं, वो मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। तो जैसे गाइस हैकर मुझे लोकेशन बताता है ना, उसके बाद गाइस मैं सीधा उसी लोकेशन पर जाऊँगा और वहाँ पर देख कर आऊँगा। अगर पैसा वैसा जो भी पड़ा होगा ना वो वहाँ से लेकर आ जाऊँगा। उसके बंदे तो भाई बचने वाले नहीं है, क्योंकि ये सूट आप लोग ने देखा भाई इतना ज़्यादा पावरफुल है यार। एक काम करते हैं अपनी कार भगाते हैं और उसी का गाइस हम लोग वेट करते हैं थोड़ी देर ऐसी सिटी में हम लोग घूमते हैं तब तक। ओके गाइस यार, तो हैकर से मेरी अभी भी फोन पे बातचीत हुई और उसने गाइस मुझे लोकेशन फाइनली बता दी है। तो देखो अभी तो फिलहाल मैं इस साइड में खड़ा हूँ और मेरे को ना गाइस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, मेरे को इधर पीछे की साइड जाना है। और हैकर मेरे को बता रहे कि वहाँ पे ना एक अबेंडेंट शॉप जैसी है जो काफी टाइम से बंद है, तो उन लोग ने गाइस वहीं पे ना अपना बेस जैसा कुछ बना रखा है। तो मैं चल के ना वहाँ पे देखता हूँ भाई कि ऐसा वहाँ पर है क्या, फटाफट से हम लोग चलते हैं। और हैकर मेरे को भी बता रहा था कि अभी फिलहाल वहाँ पे सिक्योरिटी भी ज्यादा नहीं है, उसने यहाँ आसपास जितने भी कैमरे हैं ना उन सबको गाइस हैक किया था और उसके बाद उन्होंने उन लोग को ट्रैक किया था। तो यहाँ से मेरे को ना थोड़ा आगे जाना, मतलब एक मिनट यार, तो यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है ना भाई, बहुत ही ज्यादा रहता है। कसिनो के पास ना बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक रहता है। तो मेरे को यहाँ से आगे की साइड जाना है और एक मिनट गाइस यहाँ की साइड ही मेरे को जाना था ना, एक मिनट। ओके यहाँ नहीं, मेरे को थोड़ा सा और आगे जाना है यार, मैं गाइस कुछ ज़्यादा ही पीछे खड़े हो गया था। और एक मिनट, हैकर ने मेरे को बोला था एबेंडेड शॉप जैसी है, एक मिनट ये तो नहीं है शॉप, क्योंकि ये भी शॉप गाइस काफ़ी टाइम से ना बंद थी। एक मिनट यार, मैं यहाँ पे गाइस अपनी कार को लगा नहीं सकता, वो देखो पीछे से भाई मेरी कार को ठोक रहा है। एक मिनट मैं ना इसको साइड करके लगा दे रहा हूँ, बहुत सही यहाँ पे मैंने लगा दिया, बस अब ये लोग भी खुश मैं भी खुश। एक काम करते हैं इसके अंदर जाते हैं, वैसे ये मुझे गाइस अबेंडेंट तो लग नहीं रही है, एक मिनट इसका ओनर मुझे लग रहा है ये बाहर ही है। एक मिनट यार, ये अबेंडेंट शॉप थोड़ी है। अबे ठीक है भाई ठीक है, जा रहा हूँ। एक मिनट यार, ये भी तो कुछ है ना, ड्राई क्लीनिंग, ये तो लॉन्ड्री जैसी है ना कोई। और एक मिनट, पीछे की साइड मुझे कार नजर आ रही है। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, यही है गाइस, हैकर ने एकदम सही लोकेशन दी थी। तो वो देखो जो बगल में शॉप है ना वो तो किसी ओनर की, और ये देखो एक अबेंडेंट शॉप है, मतलब अबेंडेंट ये लॉन्ड्री की जगह है, ड्राई क्लीनिंग वाली। मैं काम करता हूँ इस कार को मैं फिलहाल अभी यहीं पे रहने देता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे पहचानेंगे नहीं यार। एक काम करता हूँ पीछे की साइड जाता हूँ, क्योंकि मुझे पीछे ना काफ़ी सारे बंदे नज़र आ रहे हैं, कि आराम से मैं चलता हूँ, बहुत से इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है। एक मिनट, अबे भाई पीछे तो वो बंदा कह रहा है तू कौन है भाई, भाई मेरे को भी जवाब ही नहीं देना, मैं सीधा यहाँ से निकलता हूँ। एक मिनट यार भाई, ये लोकेशन तो यही वाली है, ये लोग को मारना चालू करूँ क्या, क्योंकि हैकर ने मेरे को बोला था कि यहाँ पे ना काफ़ी कम बंदे हैं, वैसे अपने को देखो कुछ होने वाला है नहीं। एक काम करते हैं फटाफट से ना ये वाली गन हम लोग निकालते हैं और निकल यहाँ से। एक मिनट, ये वाली नहीं यार, इसकी मैं बुलेट गाइस वेस्ट कर सकता, वो देखो आग लग गई वहाँ पे, इनको तो मैं पिस्टल से निपटा दूंगा। निकल, एक मिनट निकल यहाँ से। एक मिनट अपनी मुंडी दिखा रहा था ना अभी, वो देखो वो दिख रही है उसकी मुंडी। निकल, एक मिनट गाइस शॉटगन लेकर ना वो सीधा अंदर घुसता है। निकल, एक मिनट यहाँ एक बंदा था ना इसकी, तो निकल यहाँ से। निकल भाई, ये इसका दरवाज़ा है। एक मिनट, एक बंदा और है ना गाइस यहाँ पे इसकी, तो एक मिनट झाड़ी में छुपा है क्या भाई, नज़र तो मुझे आने। और गाइस यही वाली वो कार थी चाहे जिसका हैकर जो है पीछा कर रहा था, हैकर पीछा नहीं कर रहा था, कैमरे से इन कारों को देख रहा था। अंदर चलो फटाफट से। एक मिनट, निकल यहाँ से भाई, एक मिनट भाई। ओके गाइस, इधर तो मैं भी रीलोड कर रहा था और मैंने गलती से ना वो वाली बुलेट इस शॉटगन के अंदर डाल दी है भाई, काफ़ी सारी बुलेट मेरे को जो है कमांडो ने दे दी थी। एक मिनट, वो देखो वैसे एक बंदा मुझे वहाँ पे और नज़र आ रहा है। निकल भाई, इसको भी जला दे। और एक मिनट, दो बंदे यहाँ पे खड़े। यार मैं इस गन को ना वेस्ट कर क्यों रहा हूँ फालतू में,
सकते हैं यार, बहुत गोलियां मैंने गाइस ऐसी वेस्ट कर दी, इन लोग को मार दे, क्योंकि ये जो बुलेट्स है ना गाइस काफी कीमती है और इनको स्पेशली गाइस साइंटिस्ट ने बनाया, तो ये लिमिटेड है यार। एक काम करते हैं, एक मिनट, यहाँ मुझे गाइस एक तिजोरी नजर आ रही है, और ये क्या चीज़ है ऊपर, इसके पीछे तो इसके पीछे कुछ नहीं है, और ये तो गाइस एक अबैंडन्ड लॉन्ड्री है ना भाई। यहाँ पे इन लोग ने, बट यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं, कि यहाँ तो गाइस मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा, सिर्फ ये तिजोरी है इसको मैं अभी खोलकर देखने वाला हूँ, और तो मुझे कुछ यहाँ पे नजर आ नहीं रहा। ये देखो कंप्यूटर जैसा जो कि टूटा हुआ है, तो कुछ बॉक्सेस भी हैं जिन्हें मुझे लग नहीं रहा कि कुछ और इसमें सामान है इनके अंदर, मुझे लग रहा खाली वो है खाने पीने का जो सामान होता है ना। एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से ना इस तिजोरी को मैं खोलता हूँ, क्योंकि ऐसे तो ये खुलने वाली है नहीं। स्टिकी बम लगाते हैं और साइड में जाकर मैं खोल के ना इसके अंदर देख लेता हूँ कि आखिर है क्या। ओके गाइस, तो ये जो तिजोरी रखी थी इसके अंदर से गाइस मुझे यहाँ पे एक ब्रीफकेस मिला है। अब इसके अंदर मुझे पता नहीं है क्या, और एक मिनट यार ये लोग के और बंदे आ गए। एक मिनट, इस ब्रीफकेस को फटाफट से अंदर रखो, और ये लोग तो गाइस मेरे हाथों से ना बचने वाले नहीं है। निकल, एक मिनट भाई, यहाँ से आर पार नहीं हो रही गोली। अरे एक मिनट, ये दरवाजा खुला है क्या? अबे ये वाला दरवाजा भी खुला हुआ है। निकल, हल्की गाड़ियों में आग लगाओ, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल तू भी। अबे 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 भाई कितने सारे बंदे, और निकल यहाँ से, तेरी तो ऐसी की तैसी। निकल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, तो फटाफट से गाइस मैंने मिनी गन यहाँ पर निकाल लिया। निकल यहाँ से, निकल तू भी। फिर उन बुलेट्स को ना गाइस मैं और वेस्ट तो करने वाला हूँ नहीं, और मिनी गन है अपने पास तो भाई मिनी गन ही चलाएंगे यार। निकल, निकल यहाँ से, निकल, बहुत सही भाई देख रहे हो। और एक मिनट भाई, मेरी कार में यहाँ पे देख रहे हो खून के निशान लगे पड़े हैं। निकल, तुम्हारी तो भाई कुछ नहीं होने वाला, इतने तगड़ा मैंने आर्मर पहन रखा है ना, कुछ नहीं होने वाला। इस कार को उड़ाओ पहले यहाँ से, और अपनी कार देखो भाई एकदम सही सलामत है इसकी, इनकी कार को ब्लास्ट करो पहले। एक मिनट, मेरे पास ये है ना लॉन्चर, बहुत सही। अपनी कार में तो कुछ होने वाला है नहीं, काम करते हैं फटाफट से, दोबारा मिनी गन निकालो। निकल यहाँ से, निकल तू भी, निकल भाई। देख रहे हो इन लोग का ना बस यही सीन है यार, लोग देख रहे हो आसपास, इसके अंदर मुझे लग रहा है कैमरा लगा होगा, और लोग एकदम से आ गए यहाँ पे। और एक फायर विंग डाले, तुम तो निकल लो यहाँ से, तुम्हारा फिलहाल अभी कोई काम ही नहीं है, फाल तुम्हें मारे जाओगे। एक मिनट, मैंने सबको निपटा दिया है ना, मैं पीछे भी एक बार नज़र डाल लेता हूँ। एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे तुम लोग गाड़ियाँ चेक कर रहे हो भाई, कितनी सारी गाड़ियाँ आई थी यहाँ पे, पर इनकी कार तो मैं छोड़ने वाला नहीं। इधर एक काम करता हूँ, इनकी ना कार को ब्लास्ट करो फटाफट से, पहले निकल यहाँ से, और स्टिकी बम लगा के ब्लास्ट करते हैं। चल, और एक मिनट भाई, पीछे और भी एक बंदा जिंदा है क्या? एक मिनट, ये वाली गन्नी में काम होता, ये वाली चलाता हूँ। गाड़ियाँ उड़ाओ पहले, बहुत सही। निकल, और भी कोई जिंदा है क्या? ओके, तो गाइस मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे सबको मार दिया। और एक मिनट, फिर किसी ने गोली चलाई। भाई यार ये लोग कहाँ कहाँ छुपे रहते हैं, एक साथ आया करो ना। बढ़िया, नीचे तो मुझे कोई नज़र आ नहीं रहा, यहीं कहीं से किसी ने गोली चलाई अभी भी। एक मिनट, निकल, ओके, कोई नहीं है गाइस। मुझे लग रहा था यही बंदा होगा, तड़पते हुए जैसे होते नहीं गोली चलाते हैं भाई, वैसे उसने गोली चला दी, क्योंकि मरने की हालत में होगा बिल्कुल। तो अब एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से हम लोग जो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ब्रीफ केस तो देखो अपने को मिल चुका है, और उस ब्रीफ केस के अंदर ना क्या चीज़ है वो तो मैं बाद में चलकर देखने वाला हूँ। पहले अपनी कार में बैठे फटाफट से, और इस एरिया से निकलते हैं यार, बहुत सही, कि मैं अपनी कार में बैठ चुका हूँ। और एक मिनट, मैंने अपनी कार को इधर मोड़ के लगाया था, पर ये अपने आप इधर कैसे मुड़ गई? मुझे लग रहा है अभी मैंने ब्लास्ट किया होगा ना, तो कार का ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया होगा। भाई अपनी कार भी बहुत तगड़ी है यार, मतलब ब्लास्ट होती ही नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से ना सिटी की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले ना मैं काम करता हूँ, इस ब्रीफ को इसको ना खोल कर गाइस हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा है क्या। एक मिनट, अपनी कार को ना मैं यहाँ साइड में लगा लेता हूँ। एक मिनट, ये वाला ब्रिज हम लोग पहले क्रॉस कर लेते हैं, बहुत सही। और एक मिनट, एक मिनट, उसको ठोकना नहीं है, बाकी पुलिस स्टेशन के मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं अपनी कार को साइड में, स्टोर के जस्ट आगे, और फटाफट से ना उस ब्रीफ केस को देखते हो, और एक मिनट गन को अंदर रखो यार। ओके गाइस, इधर तो इस ब्रीफ केस को मैंने खोलने की काफ़ी कोशिश करी, पर इसमें ना गाइस एक कोड लगवा है, जो कि मेरे से तो देखो खुलने वाला है नहीं। तो मैंने गाइस हैकर को ना कॉल कर बोल दिया कि मुझे ना एक ब्रीफ केस मिला है उसके बेस पर, तो मैं उसको लेकर ना सीधा अभी मेंशन पर ही आ रहा हूँ।
तो काम करते गए फटाफट से अपनी कार को हम लोग भगाते हैं और अपना हैकर भी ना फिलहाल अभी मेंशन पे ही है। तो गाइस ये काफी अच्छी चीज है, मेंशन में पहुंचने मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं और उसके बाद चलकर ना हैकर तो देखो अपना हैक करके ना मतलब ब्रीफ केस जरूर खोल देगा, फिर देखते गए इसके अंदर से क्या निकलता है। मतलब गाइस मुझे तो लग रहा है ना कि इस ब्रीफ केस के अंदर ना बहुत ही सीक्रेट चीज होने वाली है, क्योंकि देखो इतनी अबेंडेंट लॉन्ड्री ऐसी थी और वहां पर इतनी सिक्योरिटी वाले और उन लोगों ने कैमरे भी अंदर फिट करे हुए थे और एकदम इसको तिजोरी के अंदर रखा हुआ ताकि कोई देख ना पाए, मतलब कोई चुराई ना पाए यार वहां से। पर अपन लोग को तो गाइस पता चल गया और इसके बारे में गाइस अपने को ना डगन बॉस ने बताया एक तरीके से कि उसी ने मेरे को बताया था कि लॉस सैंटोस में उसके काफी सारे ऐसे बेस है जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी वाले हैं और वहाँ पे काफी सारा पैसा भी है। तो पैसा तो अपने को नहीं मिला है पर अपने को गाइस सबसे खतरनाक चीज मिल गई, कुछ सीक्रेट चीज। ओके गाइस इधर तो मैं कार भगाते भगाते गाइस अपने मेंशन पर पहुंचने वाला हूँ, फटाफट से यहाँ से चलते हैं रॉन्ग साइड से फिलहाल अभी। ओके इसको चल के ना हम लोग फटाफट से यार बैग खुलवाते हैं वाला, पता नहीं ब्रीफकेस के अंदर ऐसा है क्या। और कार को मैं पीछे की साइड लगा देता हूँ, ये देखो ये खड़ी गाइस हैकर की कार। फटाफट से ना अंदर हम लोग चलते हैं, कि यहाँ से मैं चलने वाला हूँ अंदर, बहुत सही। ओके फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं और हैकर शायद अपने रूम में ही होना चाहिए, काम करते हैं फटाफट से ना डायरेक्टली उसके हम लोग रूम में ही चलते हैं, बहुत सही। और देखो ये रहा गाइस हैकर, देख रहे हो यहाँ पे एक लैपटॉप से ना गाइस इतनी सारी चीजें कर देता है ना, लैपटॉप और जो हार्ड ड्राइव हमें नजर आ रही है ना इन दोनों चीजों से। बाकी हैकर देख ये रहा ब्रीफकेस, इसको ना देख खुल नहीं रहा है मेरे से, तू फटाफट से ना इसको जल्दी से खोलने का ट्राई कर। ओके गाइस यार तो हैकर ने फाइनली गाइस पूरा आधा घंटा लगा के भाई इस ब्रीफकेस को खोल तो लिया है और इसके अंदर से ना गाइस ये तुम लोग को यहाँ दिख रही है दो तीन हार्ड ड्राइव निकली और इसके अंदर पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसके अंदर में देखो पासवर्ड लगाया, तो इसको क्रैक करने में यार हैकर को थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो मैंने इससे बोला भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं और हैकर को ना फिलहाल अभी हाईटेक बंकर में जाना पड़ेगा, तो ठीक है भाई तू अभी थोड़ी बहुत देर में जब भी जाना चाहे तू चले जाना और इस हार्ड ड्राइव को लेकर चले जाना। तो इसके बारे में तो गाइस मैं अभी प्रेजेंट को कॉल करके बताने वाला हूँ और लेस्टर भी इस काम में देखो अपनी हेल्प करती, क्योंकि डगन बॉस है ना अपने को इस हार्ड ड्राइव कोई मिली है वो भी एकदम उसके सीक्रेट बेस जैसा था वहाँ पे बना हुआ, किसी को शक भी नहीं होगा कि ऐसी लॉन्ड्री में ना अंदर में इतनी एक्सपेंसिव चीज रखी, मतलब एक्सपेंसिव नहीं इतनी सीक्रेट चीज रखी है। बाकी मैं एक काम करता हूँ प्रेजेंट को कॉल कर कर गाइस ये वाली बात बता दूंगा। बाकी इस वाले एपिसोड को गाइस हम लोग यहीं पर एंड करते, आई होप आप लोग को ये वाला एपिसोड यार पसंद आया होगा और अगर एपिसोड पसंद आ रहे हैं ना मतलब वीक में तीन वीडियोस गाइस आप लोग को देखने को मिल रही है तो भाई वीडियो को ना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी कॉमेंट में मेरे को जरूर बताना कि एपिसोड कैसा लगता है। बाकी मिलता हूँ गाइस मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।